उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई में कोरोना को कैसे कंट्रोल करेगी, अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या है सरकार का एक्शन प्लान? क्या न्यूयॉर्क की तर्ज पर मुंबई अब बनती जा रही है? कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज तक को इन सारे सवालों के जवाब दिए। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है जो खुद इस फैसिलिटीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार होंगे? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है, वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा सीएम साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम 600 बेड्स का है, फिर बीकेसी 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगहें दी है, तो लगभग पहले फेज में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और आईसीयू भी उसमें शामिल? बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है, हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं, आईसीयू बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। मुंबई के आंकड़े बढ़ी रहे, उस पर अभी छुपाने की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। कई लोग मुंबई को न्यूयॉर्क से कंपेयर भी कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि द वे न्यूयॉर्क इज़ फॉर US, द मुंबई इज़ बिकमिंग फॉर इंडिया। हाउ विल यू टैकल दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज द नंबर्स आर राइजिंग, द बेड्स आर इन लेस अवेबिलिटी, पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट देमसेल्फ एडमिटेड, हाउ दिस विल बी टैकल? सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है, ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना जरूरी है, तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सारी सर्वेलेंस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, टेम्परेचर चेकिंग हो, ये सारी टीमें हमारी लगी हुई है, तो हम एक्टिवली अभी केसेस को चेस करें, ऐसे नहीं है कि हम केसेस के लिए वेट कर रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही रही कि अब जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश है, एम्बुलेंसेज रेट्रोफिट की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है अभी। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर टारगेट में आ जाते हैं, कि बाहर पैसेज में लोग पड़े हुए हैं, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है, जो भी सोशल मीडिया पर आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमिजिएटली एक्ट करते हैं, हर जगह BMC के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे हैं कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो, हमारी टीमें सारी जगह लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, महाराष्ट्र लॉकडाउन में है, तो गुड सप्लाईज, ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, BMC की हॉस्पिटल्स है, उन पर जो लोड है उसको कम करने के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है खास? बिल्कुल, वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। व्हाट चेंजेस यू थिंक शुड बी मेड नाउ, दो महीने के बाद अगर ये स्थिति है, इसके अलावा क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या जो सिस्टम है उसको एक बार फिर उसको ठीक करने की जरूरत है? जो पूरी एक वायरस की समस्या है, ये हमारे हैबिट्स पे भी काफ़ी निर्भर करती है, जैसे हमने अभी मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क खोलते वक्त कैसे खोल दें, मुंह को हाथ ना लगाए, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें, ये पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डिसिप्लिन कितना होता है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी सारा निर्भर करेगा। जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है, पोस्ट कोरोना दुनिया जो है, वो कैसे रहेगी, ये हम पे निर्भर करता है। मुंबई से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स निकल के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा हाईवे से लोग चल के जाते हैं और अभी भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या किस सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि क्या मजदूरों में वो आस्थापना नहीं रही कि जिसके वजह से मजदूर? मुझे लगता है कि अभी किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है, अभी पॉलिटिकल एक्यूजेशन, ये तो सारी चीज़ें होते रहेंगी बाद में,
अभी उनको मदद कैसे कर सके, उनको यहाँ जो लोग हैं ट्रेनों में कैसे उनको वहाँ भेज सके, या फिर जिनको अपने अपने गांव जाना है कैसे क्या करना है, मुझे लगता है अभी उसी पे फोकस करें। पॉलिटिकल बातें तो बाद में भी होती रहेगी।